केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निराला सभागार गैलरी में प्रधानमंत्री की बाल से लेकर अभी तक के उनके महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण फोटो की एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी का नाम नमो प्रदर्शनी दिया गया था। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की इलाहाबाद मंडल की निदेशिका मनोरमा दीदी ने बताया कि प्रधानमंत्री आज महिलाओं को और युवाओं को एक मजबूती देना चाहते हैं और उनको अपने कार्यों को खुद को करने के लिए एक प्रोत्साहन एक नई गति दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम सब में मिलकर यहां एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक और विश्वविद्यालय क्षेत्र की सभासद सोनिका अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री का जो विजन है उसे विजन से हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे एक सशक्त समर्थ और यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने देश को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। तो उसमें हम लोगों को भी आह्वान किया गया था कि हम यहाँ प्रदर्शनी लगाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह हमारे इस भारत के राष्ट्र के युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, उनके अंदर मनोबल की ऊंचाइयाँ देखना चाहते हैं, उनके प्रति लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव रखवाना चाहते हैं, तो जैसा उनका अपना संकल्प है, उन्होंने स्टार्टअप करके लोगों को एक योजना दी, उन्होंने महिलाओं के अंदर मनोबल ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं बनाई, तो हम लोगों ने जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनका एक बहुत सुंदर प्लान है कि भारत स्वर्णिम भारत हो, तो स्वर्णिम भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए मनुष्य देवतुल्य चाहिए। हमारे प्रयागराज क्षेत्र को नई विकास नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर क्या किया कि महिलाओं को युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए कि वो जो चीज़ें बना रहे हैं वो कहाँ सेल करें, तो या लोक कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि कटरा जो कि प्रयागराज का एक प्रमुख स्थल है जहाँ पर देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक MSMEs के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, ट्रेड फेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, और आप समझिए कि ये जो प्लेटफॉर्म बना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ लोग मतलब आराम से लगाते हैं ट्रेड फेयर और ये रोजगार को एक नई गति देगा।